नमस्कार दोस्तों, चर्चा बोर्ड द फिल्म एड आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूवी तुलसीदास जूनियर के बारे में। इस मूवी को इसी साल रिलीज किया गया है। ये एक स्पोर्ट्स फैमिली ड्रामा जॉनर वाली मूवी है जिसके राइटर एंड डायरेक्टर है मृदुल महेंद्र। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस मूवी को और जानेंगे क्या है फिल्म की स्टोरी, क्या है इसके प्रोस कॉन्स और क्या मूवी आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है स्नूकर के एक जाने माने प्लेयर तुलसीदास जी की। स्नूकर गेम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आसान भाषा में। आपने कुछ टाइम पहले तो वो गेम खेला होगा ना, पॉपुलर गेम 8 बॉल पूल, बिलियर्ड्स, कुछ वैसा ही गेम है स्नूकर। ये एक ब्रिटिश गेम है जो 1875 में पहली बार भारत में खेला गया था। खैर, स्नूकर और पूल में एक अंतर होता है कि स्नूकर में 15 नंबरलेस पिंक बॉल्स होते हैं, 6 कलरफुल बॉल और एक क्यू बॉल होता है जिसे स्नूकर स्टिक के साथ खेला जाता है। और वही पूल में 9-15 के नंबर वाले बॉल्स होता है और एक क्यू बॉल होता है और उसे भी स्नूकर स्टिक के साथ खेला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पूल और स्नूकर क्या है। खैर, हम लोग फिल्म में लौटते हैं। तुलसीदास का हमेशा से सपना रहता है स्नूकर चैंपियनशिप जीतने का और हर बार वो सपना फाइनल तक आके टूट जाता है। इस बार तुलसीदास अपने छोटे बेटे मिडी से ये प्रॉमिस करते हैं स्नूकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी उसका छोटा बेटा मिडी ही उठाएगा और फाइनल काफी रोमांचक भरा रहता है। तुलसीदास लीड कर रहे होते हैं पर तभी कुछ ऐसा होता है कि तुलसीदास वो गेम हार जाता है। अपने पापा को हारता हुआ देख मिडी को बहुत बुरा लगता है और वो भी स्नूकर खेलने की ठान लेता है। और यहाँ से शुरू होती है तुलसीदास जूनियर की कहानी। तुलसीदास जूनियर की ये सफर इतना आसान भी नहीं रहता है क्योंकि स्नूकर खेलने की मिनिमम एज 16+ होनी चाहिए। वहीं तुलसीदास जूनियर की एज यानी मिडी की एज 13 रहती है। क्या वो स्नूकर खेल पाता है, क्या वो अपने पापा का सपना पूरा कर पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो कहाँ देखनी है, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसे इजिली सर्च करके देख सकते हैं। फिल्म में जिस तरीके से मेकर्स ने फैमिली और स्पोर्ट्स ड्रामा को मिक्स किया है वो काबिले तारीफ है। फिल्म सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही फोकस नहीं करती है, फिल्म में एक फैमिली की स्टोरी भी दिखाई जाती है, एक प्लेयर का स्ट्रगल भी दिखाया जाता है जिस वजह से एक स्टोरी काफी रियलिस्टिक फील होती है और हम खुद को इस कहानी से रिलेट कर पाते हैं। स्नूकर जैसे गेम जो हालांकि इंडिया में क्रिकेट फुटबॉल की तरह उतना पॉपुलर उतना फैमिलियर नहीं है, उसे भी काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है जिससे स्नूकर नहीं भी पता होगा वो भी ये फिल्म देखने के बाद स्नूकर खेलने लगेगा, उसे भी स्नूकर पसंद आने लगेगा। इस तरीके से फिल्म में स्नूकर को दिखाया गया है। बात करें फिल्म में एस्पेक्ट्स की तो फिल्म की स्टोरी, प्लॉट, स्क्रीन प्ले टोटली अमेजिंग है। शुरू से ही आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, एक पल के लिए भी ये फिल्म आपको बोर नहीं करती। सिनेमाटोग्राफी एंड बीजीएम डिसेंट रहते हैं, डायलॉग्स इंप्रेसिव है एंड फिल्म में जो थोड़े बहुत ह्यूमर को भी ऐड किया गया है वो अच्छा लगता है देख के। एडिटर ने पूरे फिल्म 2 घंटा 12 मिनट तक रखा है जो एक पल के लिए भी लेंदी फील नहीं होता। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो इस फिल्म के लीड रोल में है वरुण बुद्धदेव, राजीव कपूर, संजय दत्त, दालीप ताहिल आदि आदि ऐसे कलाकार। सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है, कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है जिसमें हम सभी कैरेक्टर्स इजीली जुड़ पाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। ये फिल्म हमारे दिलों को छू जाती है। पूरे फिल्म में एक गाना रहता है भाई हूं मैं तेरा जो ठीक ठाक है। बात करें इसके क्लाइमैक्स की तो इसका क्लाइमैक्स डिसेंट रहता है। इन शॉर्ट ये वेल मेड मूवी है, आप अपने पूरे फैमिली के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 9/10 स्टार्स। पैनागलेंस की बात करें तो टोटली फैमिली फ्रेंडली है। अगर आपने इस मूवी को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन क्या है हमारे साथ कमेंट शेयर करें, नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं कहाँ, नेटफ्लिक्स पे। बाकी वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस पे शेयर करें से अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्में देखना पसंद हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।